नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सिकरी खादर के रहने वाले युवक शान आलम ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अपने परिवार से अनबन होने के बाद शान आलम ने पहले अपनी बहन, अपने पिता और अपनी माँ को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया और उसके बाद उन्हें मरा जानकर अपनी पत्नी को कार में बैठाकर उसने तिगरी गंगा में कार सहित छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। कल शाम हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन मृतकों के शव को गंगा जी में निकालने के लिए जुटे हैं, जिनमें से शान आलम का शव बरामद हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी का शव अभी तक गोताखोर नहीं ढूंढ पाए हैं। जी हां, सभी को हैरान कर देने वाली ये घटना यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सीकरी खादर की है, जहां का रहने वाला शान आलम दिल्ली में टेलर का काम करता है। वह अपने गांव आया हुआ था। बीते गुरुवार को उसकी परिवार से अनबन हो गई, जिसके बाद आलम इतना गुस्से में आया कि उसने पहले अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन को कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया और उसके बाद अपनी पत्नी को कार में बैठाकर उसने तिगरी गंगा में कार सहित छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। तहसील तहसील मामला क्या, घर का विवाद था आपसे कुछ माता पिता में, बस उसी के कारण बाप को टक्कर मारी, बहन को मारी, उन्हें खूब टक्कर मार मूर के बेहोशी की हालत में छोड़ के आके उनको उठा के हम हॉस्पिटल लेके पहुँचे। इतने में सुना तो शान आलम गाड़ी लेके गंगा में कूद गया। वह इतनी वो हो पाई है। उसके बाद शान आलम का सब बरामद होया है। आगे के भी जांच पड़ताल, उस गाड़ी में वो दोनों मियाँ भी थे, वो उसकी पत्नी थी, वो था। उसने अपने घर वालों को टक्कर मारी, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत अभी गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। कब से चल रही है तलाश? यहाँ तलाश चल रही है कल से सर, उसके कल 5 बजे के करीब की बात है। कौन कौन किस किस से सब मिला? बस शान आलम का सब बरामद हो पाया। गाड़ी नहीं मिल पाई सर, न उसकी पत्नी मिल पाई है। कोई बाहर से टीम की मांग कर? हाँ, मांग कर रहे हैं, कुछ आए भी हैं, अभी कोई वो नहीं। शान आलम क्या करते हैं? सिलाई का काम करता था। घटना ये कारा गर्म था, लड़का था घर में, कोई कैन सुनान आपसी विवाद होएगा या बीवी को जो भी घर फैमिली का, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। उसको कैन सुनान वही पिताजी थे, सिस्टर थी, उसमें टक्कर मारी, मारने के बाद सिस्टर को चोट लगी, पिताजी ज़्यादा गंभीर थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया अड्डे पर, उन्हें ट्रीटमेंट कराया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद में सोचना चली कैसे ऐसी बात है, शान आलम ने अपनी वाइफ के साथ गंगा में गाड़ी कुदा दी। उसके बाद पता चला गांव से लोग आए, मछेरे भी हैं, वो भागे हैं से, मछेरों ने प्रयास करा पूरा बचाने के लिए, मेहनत करी, रोलिंग ने भेजा गाँव में। पता चला 5 बजे के बाद पूरी टीम गांव आया और जो है ये टीम आई शाम को, अभी होगी टीम, कहने लगी कि जो है अब तो रात होगी, सुबह को जो है पूरी टीम लगेगी हमारी। सुबह 6 बजे से लगी हुई है टीम, पूरी जुटी पड़ी है। उसके बाद में लड़के का जो है सर वो डेड बॉडी मिल चुकी है, लड़की की नहीं मिल चुकी है। जो टीम आई भी चुकी है, लेकिन टीम जो है कमज़ोर टीम है, ये मेहनत करी है, लेकिन एक टीम की ओर आ जाए जो गोताखोर हो रही है, जो टीम में जाए थोड़ी मेहनत हो रही है, थोड़ा जो है जो और भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा उसका मामला।